नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ऑफिस गुरु चैनल में। दोस्तों आज हम एक्सेल में सीखने वाले हैं कि चार्ट के अंदर हम सेकेंडरी एक्सेस भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये है नॉर्मल हमारा चार्ट। यहाँ पे कॉलम चार्ट बनाया दोस्तों पेड अमाउंट वर्सेस बैलेंस का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने ये दोनों ही डेटा लेबल्स को अगर आपको चेक करना है कौन से एक्सेस है, तो आप ये वाले एक्सेस में चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 30,000 और 35,000 के बीच में 31,000 आता है यहाँ पे। लेकिन अगर हमें ये जो दूसरा जो बार है ये है बैलेंस का, इसे अगर आपको सेकेंडरी एक्सेस में अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, ये आज हम सीखने वाले दोस्तों। यहाँ पे किया मैंने, देखिए ये है सेकेंडरी एक्सेस और ये है प्राइमरी मतलब फर्स्ट एक्सेस, ठीक है दोस्तों। तो ये आज हम सीखने वाले कि कौन सा भी चार्ट रहने दीजिए दोस्तों, लाइन चार्ट या कॉलम चार्ट या कौन सा भी चार्ट, उस चार्ट में आपको प्राइमरी और सेकेंडरी एक्सेस आने चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये सिंपल सा मैं चार्ट यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और ये है हमारा एक छोटा सा डेटा, यहाँ पे एक डेटा की समरी है हमारे पास कि बाबा ये जो कस्टमर है, इन कस्टमर ने हमारे यहाँ से ये प्रोडक्ट खरीदे हैं, ठीक है। उन्होंने अभी तक इतनी अमाउंट हमको पेड किए और उनके बैलेंस ये है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो भी डेटा है, जो भी समरी, ये मुझे चार्ट में विजुअली चाहिए। तो हम इसे विजुअली कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो सिंपल सा है दोस्तों। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रोडक्ट वाइज मुझे शो करना है, तो मैं प्रोडक्ट, पेड अमाउंट और बैलेंस तीनों को सिलेक्ट करूँगा और इंसर्ट टैब को क्लिक करने वाला हूँ दोस्तों। इंसर्ट टैब को क्लिक करने के बाद आप रिकमेंडेड चार्ट भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर नहीं तो आप यहाँ से भी ईजिली इंसर्ट कर सकते हैं चार्ट। देखिए ये है कॉलम चार्ट, देखिए यहाँ पे भी आंसर वही मिलेगा आपको जो रिकमेंडेड चार्ट में था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सिंपल सा चार्ट बन गया आपके लिए। यहाँ पे आप चार्ट का नाम भी चेंज कर सकते हैं, कह सकते हैं कि बिलिंग का परफॉर्मेंस है। देखिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि किन की बैलेंसेस है और कितने पेड अमाउंट भरी है। यहाँ पे इजीली मुझे समझ में आ रहा है किसकी हाई अमाउंट है, किसकी लो अमाउंट है, ये भी समझ में आ रहा है। एप्पल की पेड अमाउंट खूब कम है, बैलेंस भी कम है, ये इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे राइट क्लिक करके एड डेटा लेबल से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी रहा सवाल कि मुझे ये जो पेड अमाउंट के लिए मुझे ये एक्सेस मिला है दोस्तों, और बैलेंस के लिए भी ये, मैं चाहता हूँ कि बैलेंस का जो भी एक्सेस है ये वाला प्राइमरी, ये प्राइमरी एक्सेस ना हो कि ये सेकेंडरी एक्सेस में जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, चलिए मैं आपको सिंपल सा दिखाता हूँ। इसी को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर दे ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो देखिए दोस्तों, मुझे ये जो बैलेंस रीड करने के लिए ये एक्सेस की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये एक्सेस मैंने डिसाइड किया है। ये एक्सेस आप पेड अमाउंट के लिए देख सकते हैं, लेकिन बैलेंस के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए सेकेंडरी एक्सेस। तो आप इसे राइट क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे देखिए दोस्तों, फॉर्मेट डेटा सीरीज़ को क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, देखिए फटक से आपको आ गए यहाँ पे प्राइमरी एक्सेस और सेकेंडरी। बस सेकेंडरी एक्सेस को क्लिक कर दीजिए तो डेटा देखिए इस लाइन में वो एक्सेस बन गया। और ये जो कलर है रेड कलर, इसे आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक चेंज डेट चार्ट टाइप, चार्ट का टाइप चेंज कर दीजिए। इसे कन्वर्ट करेंगे हम, बैलेंस को कन्वर्ट करेंगे कॉलम टू लाइन चार्ट, बस हो गया। देखिए दोस्तों, इस तरीके से सिंपली आप इसे चेंज कर सकते हैं। अब चाहे तो ये लाइन थोड़ी जिगजैग है, आप इसे भी चेंज करेंगे। सेलेक्ट, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा पॉइंट और फील में देखिए दोस्तों, स्मूथेड लाइन और उसकी थिकनेस आप कम कर सकते हैं, विड्थ सॉरी, आप चाहे इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, वाओ, देखिए दोस्तों, ये अलग अलग तरीके से इसके कलर भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं हर एक पार्ट के डेटा पॉइंट। देखिए दोस्तों, यहाँ से कलर भी चेंज होगा और लाइन की थिकनेस भी कम हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे है आपका सेकेंडरी एक्सेस। तो दोस्तों ये था, अगर आपने यहाँ पे अगर
बैलेंस भी थोड़े चेंज कर दिए दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पे अगर मैंने बैलेंस, अब ये फॉर्मूला थोड़ा आया था लेकिन मैं यहाँ पे थोड़े से कम कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों सेकेंडरी एक्सेस भी चेंज हो गए, ठीक है। ये सेकेंड तो 501 ये जो अमाउंट है आप प्राइमरी एक्सेस में नहीं दे सकते, बैलेंस के लिए एक्सेस है ये वाला। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन कि चार्ट के अंदर आप सेकेंडरी एक्सेस कैसे ऐड करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा सेशन, ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।